Dear students, today we will study a story, Bipin Chowdhury's Lapse of Memory. Okay? Do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you into a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary, and what is suspense all about? Okay, do you have good memory? क्या तुम्हारा अच्छी याददाश्त है? और इस तरह से याददाश्त को जाना कभी आपके ऊपर अप्लाई हुआ है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. कोई चीज अगर आप भूल जाते हो तो आप मुश्किल में डाल देता है. But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. यानी आपके लाइफ का, आपके जीवन का एक पार्ट भूल जाना तो आपको क्या करता है, एक पागल जैसा बना देता है. अगर आप लाइफ में कोई चीज, आपको मेन चीज अगर आप भूल जाते हो तो आपको क्या करती है, एक पागल बना देता है. इन दिस स्टोरी विपिन बाबू गोस नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैनॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. ओके, इस स्टोरी में हम विपिन बाबू जो है वो पागल हो जाते हैं. ओके, क्योंकि उन्होंने रांची में रहे थे और रांची में रहने के बारे में, मतलब उसके बारे में उनको याद नहीं आता है, और इसीलिए इसके बारे में सोच सोच कर वो लगभग पागल हो जाते हैं. ही हैज नेवर बीन टू रांची. वो कभी रांची नहीं गए हैं. वो क्या करते हैं, सबको बोलते रहते हैं वो कभी रांची नहीं गए. ही इंसिस्ट दाओ देर आर मेनी विटनेस टू द कंट्ररी. यानी उनके जो बहुत सारे कंट्ररी, यानी उनके अगेंस्ट में बहुत सारे कंट्ररी आते हैं, मतलब विटनेस आते हैं कि नहीं आप रांची गए हो, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं रांची नहीं गए हो. तो व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे. ये एक बहुत सस्पेंस स्टोरी है. इस सस्पेंस स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. एवरी मंडे ऑन इज वे बैक फ्रॉम वर्क, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण्स न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. कालीचरण्स मतलब एक बुक स्टोर है, बुक शेल्फ है, और वहाँ से वो बुक खरीदते हैं. ठीक है, तो हर मंडे यानी हर सोमवार का दिन ऑन इज वे बैक फ्रॉम वर्क, यानी जब वो काम से लौटते हैं तो विपिन चौधरी क्या करते हैं ना, कालीचरण की बुक शेल्फ में, न्यू मार्केट में आता है. ये कालीचरण की जो बुक स्टोर है वो न्यू मार्केट में आते हैं, वहाँ रुकते हैं बुक्स खरीदने के लिए. और किस टाइप का बुक्स खरीदते हैं, जैसे वो पसंद करते हैं क्राइम स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स बुक्स एट्सेट्रा, ये सारे बुक्स खरीदने के लिए वो जाते हैं. He had to buy at least 5 at a time to last time through the week. यानी वो जब खरीदने के लिए जाते at least 5 at a time, मतलब एक साथ उनको 5-5 बुक वो खरीदते थे पूरी वीक के लिए, यानी हफ्ते के लिए. He lived alone. He was not good mixer. वो अकेले रहते हैं, समझे कि नहीं, वो अकेले रहते थे और he was not a good mixer. यानी वो मिलजुल, यानी मिलके बात करना, बिना फालतू में टॉकिंग करना, ये सब उनको पसंद नहीं आता था. हैड ए फ्यू फ्रेंड्स, उनके पास बहुत कम दोस्त होते थे. एंड ही डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. ओके, बिना फालतू में बात करना उनको अच्छा नहीं लगता था, वो पसंद नहीं करते थे. टुडे एट कालीचरण्स विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोजर क्वार्टर्स. ओके, आज जब वो बुक शेल्फ में गए थे कालीचरण के बुक शेल्फ में, तो वहाँ पे उनको लगा कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है. ओके, द समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम द क्वार्टर्स एंड ही टर्न राउंड टू फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग अराउंड फेस्ट. ओके, जब उनको लगा कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, तो अचानक वो घूम जाते हैं और घूम कर जब देखते हैं कि उनके सामने एक अराउंड फेस्ट आदमी है एंड मिक लुकिंग ए मैन हु नाउ ब्रोक इन टू स्माइल. ओके, और एक आदमी है जो राउंड फेस आदमी है, उनको देखा और देख कर हंसने लगा. ओके,
आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. ओके, तो वहाँ पे उस आदमी को बोलता है कि आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप मुझे आप पहचानते होगे, डेफिनेटली आप मुझे पहचानते होगे. सो हैव यू मेट एवर बिफोर, आस्क बिपिन बाबू. तो वहाँ पे बिपिन बाबू जो है उनको बोलते हैं कि हैव वी मेट बिफोर, कभी हमने कभी इससे पहले कभी हमारा मुलाकात हुआ है. ठीक है, द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज. तो वो आदमी जो है वो ये बात सुनकर, बिपिन बाबू की बात ये सुने कि हैव यू मेट एवर बिफोर, कभी हमने इससे पहले कभी मुलाकात हुआ है, हम मिले हैं, तो ये बात सुनकर उस आदमी को सरप्राइज लगा, यानी वो ग्रेटली सरप्राइज. ये कि बिपिन बाबू क्या बोल रहे हैं, वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, आई अरेंज्ड फॉर ए कार टेक यू टू द हुटरू फॉल्स. ओके, हुटरू फॉल्स. ठीक है, तो ये बात सुनकर बिपिन बाबू ने ये बोला कि सर हम पूरे एक हफ्ते में हर रोज, यानी एक हफ्ते तक हर एक दिन हर रोज हम मिलते थे, और मैंने आपको एक कार का अरेंज किया था कि हुटरू फॉल्स जाने के लिए. हुटरू फॉल्स एक प्लेस है जो रांची में आता है. ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जब आप हुटरू फॉल्स जाने के लिए आप निकले थे, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक कार का अरेंज भी किया था, और हफ्ते एक हफ्ते तक हम हर रोज हमारा मुलाकात होता था. ओके, इन 1958 इन रांची, माई नेम इज परिमल घोष. तो उसने बताया इन 1958 इन रांची माई नेम इज परिमल घोष. ओके, 1958 में रांची में हमारा मुलाकात हुआ था, मेरा नाम परिमल घोष है. तो ये रांची के नाम सुनकर बिपिन बाबू जो है, बिपिन चौधरी है, वो शौक हो जाता है और बोलते हैं कि रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट द मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक. ओके, तो बिपिन बाबू को ये लगा, मतलब वो महसूस किया, नहीं वो एक्चुअली जो परिमल घोष बोल रहे हैं वो हो नहीं है, इस आदमी को कोई गलतफहमी हुआ है. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए. ही हैड बीन एट पॉइंट ऑन गोइंग 7 times बट नेवर मेट इट. ओके, ही हैड बीन एट पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स उन्होंने, बट ही नेवर मेट इट. वो बहुत सारे जगह गए हैं, लेकिन कभी रांची नहीं गए. स्माइल एंड सेड डू यू नो हु एम आई. तो इस बात सुनकर उसने हंसने लगा. डू यू नो हु आई, उसको पूछा, आपको पता है कि मैं कौन हूँ. यानी बिपिन बाबू उनको पूछे, उस परिमल घोष को पूछे है कि हंसते हुए, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ. ठीक है, द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज. और ये बात सुनकर, आप अगर दे कोई बात सुन, माने ऐसा बात सुनते हो जो आपको शक लगता है, तो आपका चेहरा कैसे बन जाता है. तो उसी तरह उनका आईब्रो जो है वो ऊपर हो गया. बिट इज टोंग एंड सेट. ओके, और अपनी जो टोंग है टॉप को चबाते हुए इस तरह से शक होके, डू आई नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता. हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी. बोले कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता है भाई, मैं कैसे नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ डेफिनेटली. बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स टू बुक सेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफ वन डज नॉट, आई हैव नेवर बीन टू रांची. ओके, तो बिपिन बाबू ये बात सुनकर वो बुक सेल्फ तक आगे बढ़ते गए एंड उन्होंने बोले कि भाई आप अभी भी गलतफहमी हो रहा है, और मैं कभी भी, ओके, एक बार भी मैंने रांची नहीं गया हूँ, कभी भी नहीं गया हूँ. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. ओके, उस आदमी जो है वो हंसने लगा. ओके, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी. बोले कि आप मिस्टर चौधरी आप क्या बोल रहे हो. You had a fall in Hudro and caught your right knee. I brought you iodine. Okay. उसने बताया कि आप Hudro Falls जब गए हैं, you had a fall in Hudro. आप जब Hudro गए थे तो उस टाइम पे आपने गिर गए थे, और गिरने के बाद आपको राइट नी में चोट आया था, और मैंने आपके लिए आयोडीन लाया था. I had fixed up a car for you to go to Nethat the next day. आपको अगले दिन आपको Nethat जाना था, उसके लिए मैंने आपको एक कार भी आपके लिए किया था. बट यू कुडंट बिकॉज द पेन, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी.
लेकिन आपने नहीं गए थे क्योंकि आपको नी में घुटने में पेन हुआ था और इसके वजह से आपने नहीं गए थे। कैंट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं आता है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम। ओके, आपको रांची में भी एक आदमी है जो आपको जानता है, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और वो इस इंसान का नाम क्या है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल। ओके, यू स्टेड इन ए बंगलो, आप बंगलो में रहते थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफेर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची। ओके, आपको होटल का खाना पसंद नहीं, आप बोलते थे कि आपका होटल का खाना पसंद नहीं आता है और इसलिए आपको एक बावर्च की ज़रूरत है और ये सब के बारे में आपने बताए थे। तो मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज टीटर सिस्टर, यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। ओके, तो मिस्टर मुखर्जी जो है अपने सिस्टर के साथ रहते थे एंड यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट, अब उस वक्त उस टाइम पे अपने एक आर्ग्यूमेंट किए थे, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट किए थे अबाउट द मून लैंडिंग। ओके, मून में कैसे लैंडिंग करना है इसके बारे में अपने एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। अब याद करो, ध्यान से याद करिए, ठीक है? रिमेंबर, याद आया? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। ओके, उन्होंने बताया और भी मैंने आपके बारे में बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग, आप हमेशा एक बैग लाते थे जिसमें विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और आपको साइट सीइंग ट्रिप्स जो होते हैं उस सारे चीज़ें उसमें अंदर होता है और आप बुक्स भी लाते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही नहीं हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ ना, आपको याद आ रहा है? ठीक है, बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू जो है ये सारे बातें उसको क्वाइटली मान ये सब सुनकर बिपिन बाबू क्वाइटली बोले, क्या बोले देखो, इज आई स्टिल ऑन द बुक्स, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। तो बिपिन बाबू ने ये थोड़ा सा धीरे से बोले कि आप ये जो सारे बातें बोल रहे हो, आप बताओ तो कौन से, यानी 1958 में कौन से मंथ के बारे में आप बोल रहे हो, किस महीने में सब आप इसके बारे में बोल रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, तो इस आदमी ने क्या बोलता है? सर अक्टूबर मंथ। नो सर, बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ ए फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग मिस्टेक, गुड डे। तो बिपिन बाबू ने यह बताया कि अक्टूबर में तो मैंने पूजा में था, जब पूजा यानी आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ माई फ्रेंड कानपुर, कानपुर में मैंने अपने दोस्त के साथ पूजा स्पेंड किया था, तो आपको कोई गलतफहमी हो रहा है, आप यहाँ से निकले, गुड डे। ओके, बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी जो है ना वहाँ से गया और ना ही वो अपनी जो बातें हैं वो बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए बरांडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन। तो वो उस आदमी ने बोला, वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए बरांडा, जब बरांडा में आप बंगलो में आप बरांडा में बैठे थे तो मैंने आपके साथ टी यानी चाय भी पिया था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपने परिवार के बारे में भी आपने बताए थे। यू सेड यू हैड टू चिल्ड्रन, ओके, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और अपने बच्चे के बारे में भी आपने बताए थे, मैंने आपके परिवार में के बारे में बताए थे कि आपके पास कोई बच्चे नहीं है, आपका कोई बच्चे नहीं है, और आपको 10 साल पहले आपकी बीवी की डेथ भी हो गई थी, यानी आप बीवी को खो दिए थे, एंड योर ब्रदर ओनली ब्रदर हार्ट डाइट, ओके, डाइट इनसेन, और विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। ओके, दैट मीन्स आप अपनी और एकलौता भाई जो है वो भी आपको इंसेंस में आपको मर गए थे, एंड जिस कारण के वजह से आप मेंटल हॉस्पिटल रांची में कभी जाना नहीं चाहते थे। ओके, व्हेन बिपिन बाबू हार्ड पेड फॉर ए बुक्स एंड वॉच इवनिंग एंड लिविंग द शॉप, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन
utter disbelief. Okay, when Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब विपिन बाबू ने फिर बुक लेकर वो सारे पैसे उन्होंने पैक किया और पे करने के बाद वो जगह जब वो छोड़ रहे थे, जब वहाँ से जा रहे थे, तो वो आदमी उनको एक डिसबिलीफ, मतलब जैसे विश्वास नहीं करते, कोई चीज़ अगर बोलते तो विश्वास नहीं करते, शक होकर उसने विपिन बाबू को देख रहे थे. ओके, तो दिस इज़ द पार्ट वन, द चैप्टर इज़ ओवर. आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा.